फ्रेंड हाउ आर यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अपना वीकली जो व्लॉग अपलोड करती हूँ नहीं किया था। सो इस टाइम मैं कर रही हूँ इस वीक में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, मज़े में? एंजॉय करें मेरा व्लॉग देखकर, वीकली व्लॉग। मटन कढ़ाई बनाई हुई है और इसमें मैंने ये वाला कुछ घर के मसाले और कुछ ये कढ़ाई गोश्त का मसाला मैंने डाला है। अब इसमें मैं योगर्ट थोड़ा सा डालूंगी, फिर मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखाऊंगी। और ठीक है, फिर फाइनल लुक में दिखाती हूँ आपको कि चपाती के साथ या तो राइस के साथ। मैं दही डाल दी है, अब ये बिल्कुल हल्की आंच पे थोड़ी देर पकेगा कि दही वगैरह सब कुछ मिक्स हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक इसका। ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस अब मैं डिश आउट करूँगी, फिर मैं आपको फाइनल दिखाऊँगी। ये चावल बनाने की तैयारी हो रही है। हाउस ऑल एंड कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज मेरा ये नाश्ता होगा और फर्स्ट टाइम मैं ये ट्राई करूँगी कि देखते हैं कैसा लग रहा है, कि ये चीज़ और अंडा, और क्योंकि मैं ये ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती, लेकिन आज मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। मैंने ये आलू चिकन किया है, मटन आलू चिकन आलू कुछ भी करें, जो ये कड़ी वाला होता है या शोरबा भी कहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। जिस टाइम भी खाएं, जब भी खाएं, इवन दो रेगुलर भी खाएं, तो बहुत मज़ेदार लगता है ना। आज तो मैं राइस के साथ खाऊंगी, वैसे तो आप चिकन के चपाती के साथ खा सकते हैं, राइस के साथ, किसी के भी साथ। पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, जितना मुझे पता है ये हिमानी आई थिंक सो वसीम बादामी का शायद ब्रांड है, यहाँ से मैंने लिया है ये नीम ऑयल। तो ये मैं आज फर्स्ट टाइम लगाऊंगी, फिर देखते हैं, क्योंकि पहले मैं किसी और ब्रांड का लगाती थी और अब मुझे ये मिला है, तो ये मैं लगा कर देखूंगी कि कैसा है। 100% नेचुरल लिखा हुआ है और हिमानी का भी है, तो फिर पाकिस्तान का ब्रांड आप कहीं देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो दिल करता है कि भाई ले ले। तो लेट्स सी, मैं यूज़ करके फिर आपको बताऊंगी कि ये किस तरह का है या काम की चीज़ है या नहीं।
बॉक्स है, मैं इसमें से आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो मुझे यहाँ से मिली थी। ये आपको पता होगा कि ये पाकिस्तान में हर बेकरी में मिलते हैं, ये वाले बिस्किट्स जो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, फिर हम मिक्स करके लेते हैं। तो मुझे ये यहाँ भी कहीं नज़र आए थे तो ये मैंने लिए थे। अभी मैंने ट्राई नहीं किए लेकिन बिल्कुल लग तो वही रही कि बिल्कुल जैसे हम पाकिस्तान में होते हैं। तो ज़रूर थोड़ा ऊपर नीचे होगा इसका जायका, अदरवाइज़ वैसे ही होंगे। फिर मैं चाय के साथ कभी खाकर बताऊंगी आपको।